नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज पहुंचे हैं संवाददाता दुर्गेश वर्मा के साथ। रात्रि सेवा में रहते हैं डॉक्टर नदारद। कहने को इमरजेंसी पर डॉक्टर का पता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज में। इस समय रात में 11 बज रहा है। जैसे एक बच्ची का ट्रीटमेंट के लिए हम आए हुए हैं और बच्ची हमारे साथ है, और बच्ची को थोड़ा सा लेके आइएगा, हम बच्ची को भी दिखाएं तस्वीरों में। उसके बाद जो कहना है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं, ना तो कोई है, क्योंकि कई बार फ़ोन भी किया गया है, कोई फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रहा है। रात्रिकालीन सेवा के लिए मतलब जो तमाम दिया गया नंबर है, लेकिन कोई भी नंबर जो है फ़ोन कोई नहीं उठाया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अपने कैमरामैन से हम कहेंगे, एक बार इसको दिखाई, रात्रिकालीन ड्यूटी रूम चौकीदार का है, वहाँ पे भी एक ताला बंद है, चूँकि नीचे एक बार दिखाइएगा, ताला बंद है। उसके बाद भी यहाँ कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद फ़ोन करने पे कोई रिसीव भी नहीं करा। अभी हमने तत्काल जो जिलाधिकारी को भी फ़ोन किया, फिर भी हम अपने कैमरामैन से कहें थोड़ा अपना मोबाइल दीजिए, एक बार जिलाधिकारी को फिर हम दोबारा लगाते हैं, क्योंकि आप लोग तस्वीरों में देखते रहे, जो कि लाइव हम चल रहे हैं और तस्वीरों में देखते रहिए। उसके बाद जो भी है, देखिए बताइए, जब हॉस्पिटल में जब एक पत्रकारों के साथ इस तरीके का हो सकता है, तो आम लोगों के साथ किस तरीके से होता रहेगा। क्योंकि अभी मैं देखिए, फिर मैं जिलाधिकारी को, चूँकि मैंने पहले 3 बार कॉल किया, फिर चौथी बार मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, देखता हूँ अगर हो सकता है जो का नाम है कि फ़ोन रिसीव कर लें, तो उनको सारी बात अवगत कराता। अभी मैं लाइन में उनको ले रहा हूँ, देखता हूँ अगर उठा लेते हैं फ़ोन तो तमाम चीज़ें हैं। जैसे मतलब यहाँ पे जो कहना है कि अभी जैसे जो हम यहाँ प्रवेश किए हैं, तो एक महिला थी, उनसे हमने बात किया, तो बताएं जो कहना कि डॉक्टर साहब नहीं है, आप उनसे बात करिए, हमने फ़ोन लगाया। तो उसके बाद जो कहना है कि जब हम यहाँ प्रवेश किए हैं, तो यहाँ एक महिला थी, मैंने उनसे बात किया, तो बताएं जो कहना कि कोई डॉक्टर नहीं है, आप फ़ोन से जो है बात करिए, फ़ोन से हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया है, कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। उसके बाद जो कहना, किसी का फ़ोन ही रिसीव नहीं तो बात कैसे करेगा। उसके बाद जो कहना है कि यहाँ जैसे जो है इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी कोई सुविधाएं ही नहीं है, मतलब जो अगर आदमी आए तो वापस चला जाए, मरता हुआ कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला है कि अपने बच्ची का हम ट्रीटमेंट करा सकें। हमारी बच्ची देखिए सामने है, और उसके बाद जो बुखार से लथपथ है पूरी, और उसके बाद जो का नाम है, क्यों आप बताइए जो का नाम है, आपका क्या नाम है? अमर सिंह बताइए जो का नाम, बच्ची को लेके आए कई किस तरीके का, मतलब जो का नाम है कि यहाँ कोई सुविधा बता दीजिए आप। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, एकदम सब सारे दरवाजे वगैरह सब बंद है, 5 महीने वगैरह कोई कुछ है नहीं। तो उसके बाद जो का नाम है, मान लीजिए जो का नाम है बच्ची जो है हम लोग लेके आए हैं, और उसके बाद भी मान लीजिए यहाँ कोई भी सुविधा मिल नहीं रही, ना कोई आ रहा है ना पूछने के लिए कि मतलब जो कानून कैसे क्या है, आप लोग किस लिए आए, कोई भी नहीं पूछ रहा है यहाँ का सुविधा, मतलब जो भी है जो यहाँ का अच्छा नहीं है, कोई यहाँ दिख ही नहीं रहा है, मतलब कोई है यहाँ पे, हम लोग को किसी कुछ कहें, दरवाजे वगैरह सब बंद ही है। अब बच्ची पूरी कांप रही है, इनको तो बहुत बुखार वगैरह ज्यादा हो गया, सांसें बहुत ज्यादा मतलब बच्ची ले रही है, और